बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाफ़र महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज की इंफॉर्मेशन उनकी वीडियोस उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाई जिन मेरी बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इजहार कर दे रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कमेंट से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मुझे नहीं पता होता या वो न्यूज मुझे तक नहीं पहुंची होती, और आपके कमेंट से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना होती है वो आपके कमेंट से ही लेता हूं। इसलिए इसकी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं इसके लिए जी मुझे मैसेज किया गया, नाम है जी बिलाल हुसनूद। बिलाल हुसनूद भाई ने पूछा जी न्यू मेट्रोसिटी का काम स्टार्ट हो चुका है या अभी नहीं, अगर काम स्टार्ट हो चुका है तो ये बताएं कि ये जो प्राइम जोन 3 है इसकी बैलेटिंग कब तक हो जाएगी। तो बिलाल हुसनूद भाई इस तरह के काम जो कि न्यू मेट्रोसिटी का स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मशीनरी काम कर रही है और बहुत तेजी से काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता है न्यू मेट्रोसिटी के मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे साथ क्वेश्चन किए जाते हैं न्यू मेट्रोसिटी के किए जाते हैं, उसमें मेरी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट भी है और जो इर्द गिर्द इलाके हैं गांव है मेरी तरह दूर दराज साइड पे जो गांव है उन में बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज भाई हैं बहने हैं, उन्होंने अपनी न्यू मेट्रोसिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसलिए जी न्यू मेट्रोसिटी का जो प्राइम जोन 3 की बैलेटिंग की बात है ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें मैं खुद भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे उम्मीद है कि ये दिसंबर के लास्ट तक हो जानी चाहिए, हो जानी थी ये 11वें महीने के स्टार्टिंग में ही, लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ा साल है हुआ, हालात बहुत खराब हो चुके थे जिस वजह से बैलेटिंग लेट कर दी गई थी, और भी बहुत से काम जो कि उन्होंने अनाउंस किए हुए थे वो रह गए हैं पीछे पेंडिंग में है, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ होता रहेगा और बैलेटिंग भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। जो दोस्त मेरी बहनें वो जो परेशान है इसमें ओवरसीज ब्लॉक न्यू मेट्रोसिटी के ओवरसीज ब्लॉक में प्राइम जोन 1, 2, 3 में या जन्म ओवरसीज है जो उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और परेशान है कि पता नहीं उनमें प्लाट मिलता है या नहीं मिलता, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह न्यू मेट्रोसिटी आपको प्लाट दे के जाएगा इस जगह से, और इतनी जल्दी निकलने नहीं देंगे गुजरात वाले इधर से, सरायन गिर वाले खानी वाले लोग इंशाल्लाह इन्हें प्लाट ले के तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे दे के फिर जाएंगे। तो आपको फिर एक दफा बता दूंगी 12 नवंबर ये 2021 आज से तकरीबन 20 दिन बाद इसी न्यू मेट्रोसिटी में शाम के टाइम 12 नवंबर को एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक कंसर्ट है जी, जिसमें आपको आपके बिल्कुल करीब आपके इलाके में एक सिंगर है जी पाकिस्तान के बहुत बड़े आतिफ असलम, वो इंशाल्लाह न्यू मेट्रोसिटी में आ रहे हैं। तो जो दोस्त पाकिस्तान में है जो फैमिलीज इंजॉय करना चाहते हैं उधर जाके ये फंक्शन इंजॉय कर सकते हैं 12 नवंबर शाम को है जी ये 2021। तो ये थी जी इसकी कुछ इंफॉर्मेशन, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि बैलेटिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, थोड़ा सा बस सब्र रखें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह आप सबको खुश रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह आप सबके रिज़्क रोजी में इजाफा करें, खुश रहें खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।